अभी हम लोग यहाँ देखिए, ये देखो, ये सिग्मा जब करेंगे, इस सिग्मा किसका होगा? इस सिग्मा ये सिग्मा में आर की वैल्यू वन से लेके कहां तक एन है, ये भी सिग्मा आर इक्वल्स टू वन टू एन है, ये भी सिग्मा आर इक्वल्स टू वन टू एन है, ठीक है। तो यहां पे देखना कि ये इसमें इस एक्सप्रेशन में कहीं आर आई नहीं रहा, ये तो कांस्टेंट की तरह बाहर आ जाएगा। तो दिस विल बी एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस वन, सिग्मा वन आर की वैल्यू वन से एन तक, वही सेम चीज यहाँ पे एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस एन ये बाहर आ जाएगा, सिग्मा आर इक्वल्स टू वन टू एन, ये आपका वन ऐसा आ जाएगा। तो वन का सिग्मा कितना होता है एन, तो ये आपका बन जाएगा एन स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर प्लस वन, और जबकि इधर हो जाएगा एन स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर प्लस एन। तो मतलब आपका जो सिग्मा आर इक्वल्स टू वन टू एन एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस आर था, वो इन दोनों वैल्यूज के बीच में है। अब मैं यहाँ पे इसकी लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी करता हूँ, यहाँ भी लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी करता हूँ, तो बताओ ऊपर नीचे डिग्री सेम है, आंसर होगा लीडिंग कोएफिशिएंट अपॉन लीडिंग कोएफिशिएंट वन बाय वन, आंसर इज वन। ये चीज यहाँ करूंगा तो इसका आंसर भी क्या आएगा वन, तो इधर से भी वन इधर से भी वन, तो इसका लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पे अगर हम लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी करते हैं, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस आर का सिग्मा आर इक्वल्स टू वन टू एन, दिस विल बी इक्वल्स टू वन, हमारा आंसर यहाँ पे कितना आएगा इक्वल्स टू वन। तो मैं कैसे आपको समझ में आ रहा है? हाँ सर। ठीक, तो ये कुछ अब क्या है क्वेश्चंस है, है ना, दिख रहा है आपको? हाँ सर। तो काफी सारे क्वेश्चंस हैं, तो इन क्वेश्चंस को आप लोग अभी ट्राई करेंगे, ठीक है। मैं इसका पीडीएफ आपको एक काम कर रहा हूँ, मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है, तो वीडियो का लिंक मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, है ना, तो ये वीडियो का लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो उसका जैसा पीडीएफ भेजा था पिछली बार वैसे मैं पीडीएफ भेज करूँ, ठीक है। तो ये आप क्वेश्चन करके रखें, उसके बाद फिर हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का ट्रिग्नोमेट्री वाला, अच्छा पेपर था तुम लोगों का?